और उधर हिमाचल विधानसभा का भी मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया है। पहले ही दिन सदन में दिवंगत आत्माओं को कल श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की भी इस दौरान मांग उठाई। विपक्ष ने 278 नियम के तहत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मांगा था, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया और सदन में जमकर नारेबाजी की गई। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। करीब आधे घंटे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने एक बार फिर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मौजूदा जयराम सरकार से हर वर्ग नाराज है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर मुद्दों को उलझा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है, सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, उनमें हमने अविश्वास के चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल 278 के तहत प्रस्तुत किया था, और हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को पद त्याग देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और जो हालात हैं प्रदेश में, हाहाकार मचा हुआ है, अराजकता फैली हुई है। आप देखें कि हर तरफ जो है, अभी धरने, प्रदर्शन, रैलियां, हजारों हजारों लोग सड़कों पे, ये परिस्थितियाँ बता रही हैं कि प्रदेश की जनता का इस सरकार से मोह भंग हो गया है। विधानसभा के मानसून सेशन की बात है, सेशन का आज पहला दिन है और 4 दिन का सेशन है, और हाउस बिल्कुल इन ऑर्डर है, सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चर्चा हो रही हैं। अभी तक जहां तक विपक्ष की बात पूछ रहे हैं, विपक्ष वाले जिस मुद्दे को लेकर के बात कहना चाहेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। आज उनने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और जिसका मुझे लगता है कि आज की इस परिस्थिति में कोई औचित्य नहीं है, और किस बात के लिए, सिर्फ खबर कोई बनानी थी, नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसका उन्होंने हाउस के अंदर तय किया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाएंगे। ये सरकार मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, और उसके बाद हम चुनाव में जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने वाली।